नमस्ते, मेरा नाम संजय पार भाया। आई एम फ्रॉम चाणक्य क्लासेस, वडोदरा, गुजरात। नाउ आज का जो टॉपिक है टेंथ, टेंथ का एसएस, गुजरात बोर्ड टेंथ एसएस सोशल स्टडीज अथवा सोशल साइंस का इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन। और एक बार टेंथ का एसएस जीएससीबी गुजरात बोर्ड के लिए एसएस के आईएमपी क्वेश्चन। नाउ आज का टॉपिक है पार्ट ए हिस्ट्री सेक्शन, पार्ट ए हिस्ट्री सेक्शन। आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। डायरेक्ट स्टूडेंट्स को टेंथ का एसएस का आईएमपी क्वेश्चन, उसमें से कौन कौन सी चीज ध्यान में रखने की है, ये सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जीएससीबी के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें से ये चीज खास ध्यान में रखने का है कि ये जीएससीबी का एसएस का क्वेश्चन पेपर का स्टाइल, इट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट, उसके संदर्भ में ये आईएमपी क्वेश्चन है। टेंथ का ब्लूप्रिंट यानी क्वेश्चन पेपर का स्टाइल जीएससीबी को, जीएससीबी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने का है। आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये जो आईएमपी क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गए और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गए और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गए। एक स्टेप आगे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो शूटिंग हो रहा है ये फरवरी एंड और मार्च में हो रहा है 2020 में। अभी आज की डेट में टेंथ जीएससीबी का सिलेबस सेम है और उसकी जो बुक्स, ये वाली बुक्स है सोशल साइंस की, ये वाली बुक्स है, तो ये वाली जो बुक्स है ये जो सिलेबस को ध्यान में रख के ये हो रहा है। यदि फ्यूचर में टेंथ का जीएससीबी का सिलेबस यदि चेंज होता है तो फिर ये प्लेलिस्ट में से इसको हटा देंगे। नाउ अभी का जो सिलेबस है उस मुताबिक चैप्टर 1-7 वो हिस्ट्री के चैप्टर है, चैप्टर 1-7 वो हिस्ट्री के चैप्टर है, चैप्टर 8-12 वो ज्योग्राफी के चैप्टर है, चैप्टर 13-18 वो इकोनॉमिक्स के चैप्टर है और 19-21 वो ईएनवी के चैप्टर्स है। तो ये पूरे टेंथ एसएस जीएससीबी का ये पूरा चैप्टर का एनालिसिस। नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। पूरी पृथ्वी पर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, एसएस में फर्स्ट जो सेक्शन आता है वो हिस्ट्री का सेक्शन है। हिस्ट्री के सेक्शन में यहां पर कुल चैप्टर कितने हैं, 7 चैप्टर। कुल चैप्टर कितने हैं, 7 चैप्टर है हिस्ट्री के। नाउ द फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, समझते हैं। ये पूरी पृथ्वी के ऊपर, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर अभी मनुष्य जाति की जनसंख्या 740 करोड़ से ज्यादा है। ये पूरी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का जीवन वो पिछले 10 लाख साल से है। और इतिहास की बात करें, इतिहास ये पूरी पृथ्वी के ऊपर 10,000 साल का इतिहास, 10,000 साल का सिस्टमेटिकल इतिहास इतिहास है। उससे पहले ये पूरी पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी घटनाएं घटी उसका सिस्टमेटिकली अभी कोई इतिहास नहीं है। सिस्टमेटिकली इतिहास 10,000 साल से है ये पूरी पृथ्वी के ऊपर पूरी मनुष्य जात के साथ पास। आगे जाते हैं हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर पूरी मनुष्य जात हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, उसका एक ही रीजन है कि भूतकाल में मनुष्य जात ने जो भूल की है, भूतकाल में मनुष्य जात ने जो भूल की है वो भूल हम रिपीट न करें, ये एक उद्देश्य से पूरी पृथ्वी के ऊपर इतिहास हम पढ़ते हैं। और इतिहास पढ़ने के बहुत सारे और उद्देश्य भी है, इसका बहुत सारे डिटेल में इसका श्रीमद् भगवद गीता में इसका बहुत उल्लेख मिलता है। तो यहां सिलेबस की बात करें तो इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं। अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। एसएस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के संबंध में एजुकेशन सिस्टम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरेक विद्यार्थी को समझना ही चाहिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के संबंध में एजुकेशन सिस्टम क्या है, समझते हैं। प्ले सेंटर, जूनियर केजी, सीनियर केजी, प्ले सेंटर,
जूनियर के जी सीनियर के जी, उसके बाद से स्टैंडर्ड 1 to 9 तक जो हम पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड 1 to 9 तक उसका एग्जाम अभी के एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम बोर्ड लेता है। और आपके जीवन की सबसे बड़ी एग्जाम 10th एग्जाम है, क्योंकि 10th आपका बोर्ड लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक स्टूडेंट्स को जेन्युइनली समझनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स जो 10th पास करते हैं, 10th पास करने के बाद आपके पास एक्चुअली फिर लाइन आता है, तीन लाइन आता है। कौन कौन सा लाइन है? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। फ्यूचर में जो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, वो 10th के बाद साइंस के स्ट्रीम में आगे जाएंगे, अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे। जो कॉमर्स में आगे जाना चाहते हैं, फ्यूचर में कोई कॉमर्स लेके आगे जाए, सीए, सीएस, ICWA, तो कॉमर्स लाइन में जाएंगे। और जो आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहते हो, आर्ट्स में आगे जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि 10th के बाद सबका लाइन स्पेशलाइज होता है। साइंस में डॉक्टर, कोई बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, वैसे ही कॉमर्स की लाइन, कोई बनेगा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई सीएस, कोई ICWA, वैसे ही आर्ट्स की लाइन। लेकिन 10th तक सबका सिलेबस सेम है। 10th तक सबका सिलेबस सेम है, यानी कोई भी स्टूडेंट्स भविष्य में बड़ा साइंटिस्ट भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा और बड़ा डॉक्टर भी बनेगा। तो सबको मालूम होना चाहिए कि वो इंडिया के हैं। तो हमारे देश की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हमारे देश का इतिहास क्या है, दरेक स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। ज्योग्राफी, इंडिया की बात करें तो, हमारे देश की ज्योग्राफी, भूगोल क्या है, दरेक स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। तो ये एक उद्देश्य से 10th की बात करें तो आपके सिलेबस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये आपके सिलेबस में रखा गया है, बहुत ही गहरा पर्पस है। अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट ईयर। 10th की बात करें, एसएस, सोशल स्टडीज अथवा सोशल साइंस, हिस्ट्री में कुल आपके चैप्टर है 7 और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर है हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें से आईएमपी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, एक्सप्लेन इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये सब ये चैप्टर में से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि मैं, ये हो सके जिसको जेन्युइनली सुनना हो तो ये वीडियो रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। अभी हम लोग आगे जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। ये चैप्टर में से आईएमपी क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्ले वर्क ऑफ एंशियंट इंडियन हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कथकली डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गरबा एंड गरबी ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर ऑफ संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजात। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन भवाई। नेक्स्ट चैप्टर है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्क्रिप्चर एंड आर्किटेक्चर। ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाउन प्लानिंग ऑफ एंशियंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्क्रिप्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्तूप। नेक्स्ट चैप्टर है लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन इंडिया एंड विच आर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन तक्षशिला विद्यापीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मेडिवियल लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नालंदा विद्यापीठ। नाउ आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब चैप्टर में से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी जेन्युइन पेपर सेटर रहेगा, एक्सपीरियंस वाला,
वो अपने जो क्वेश्चन पेपर निकालेगा उसमें ये सब होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। चैप्टर है इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें से आईएमपी क्वेश्चन। राइट अबाउट द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस एंशिएंट इंडियाज प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाय एंशिएंट इंडिया इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन वास्तुशास्त्र। नेक्स्ट आगे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। उसमें से आईएमपी क्वेश्चन राइट ए नोट ऑन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ए नोट ऑन द प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ए नोट ऑन द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ये वाला जो क्वेश्चन है दो बार रिपीट हुआ है, दो बार। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ये चैप्टर में भी है और ये वाला चैप्टर में भी है। सेम क्वेश्चन दो चैप्टर में रिपीट हुए हैं, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। आगे जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ए नोट ऑन फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ए नोट ऑन एलिफेंटा केव्स। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है प्रिजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज। उसमें से आईएमपी क्वेश्चन व्हाई शुड वी प्रिजर्व अवर कंजर्व एंड कंजर्व अवर हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट दिस टॉपिक इज एक्चुअली ओवर। दिस टॉपिक इज एक्चुअली ओवर। ये सब क्या था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हिस्ट्री सेक्शन के थे, टेंथ के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। मोस्टली ये सब आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन में से सब क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये हिस्ट्री सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है, उनको बहुत बोरिंग लगता है और पेपर सेटर को ये चीज मालूम है तो ये वो क्या करते हैं, इसमें से ये चैप्टर्स में से वो कॉर्नरिंग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक्चुअली हिस्ट्री सेक्शन बोरिंग लगता है और बहुत सारे वो लोग स्किप करते हैं। जो भी जेन्यून स्टूडेंट्स है, रैंकर स्टूडेंट्स है, उनको रिक्वेस्ट है कि जिनको अच्छे हैंडसम मार्क्स लाने हो वो ये कॉर्नरिंग से बचे और ये सब में से अच्छी तरह तैयारी करें। यदि आप ये सब में से अच्छी तरह तैयारी करते हैं तो यू विल गेट द वेरी हैंडसम मार्क्स। आगे जाते हैं, दिस टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लेंगे वो पार्ट बी लेंगे। नेक्स्ट लेंगे पार्ट बी, ज्योग्राफी सेक्शन लेंगे, ज्योग्राफी सेक्शन। और नेक्स्ट सब स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जितने भी सर्कल में, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में, प्लीज अभी सबको फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि दरेक स्टूडेंट्स की एक्चुअली ये अभी रिक्वायरमेंट है। और लास्टली सब स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और लास्टली आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच और सबको प्रेम पूर्ण जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण।